વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન પાસેથી ફિલ્મી ડબ્બે કારમાં અપહરણ કરી લઈ જવાયેલા જાણીતા બિલ્ડર જીતુ પટેલનું વલસાડ પોલીસ તથા વિવિધ બ્રાન્ચોના સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને મહારાષ્ટ્રના રત્નાગીરી ખાતે બંધક બનાવેલા બિલ્ડર જીતુ પટેલનો હેમખેમ છુટકારો કરાવી સાત અપહરણકારોને પકડી લેવામાં આવ્યા હતા. બિલ્ડર જીતુ પટેલના અપહરણ કરાયા બાદ તેમની પાસેથી 30 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. ઉમરગામથી અપહરણ કરવામાં આવેલા બિલ્ડર જીતુ પટેલ રેન્જ આઈજી રાજકુમાર પાંડિયન અને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વડા ડોક્ટર રાજદીપસિંહ જોડાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ટીમે મહારાષ્ટ્રના રત્નાગીરીથી તેમનો છુટકારો કરાવી કુખ્યાત સોનાર ગેંગના સાત સાગીર હતો એવા પપ્પુ ચૌધરી, દીપક યાદવ, અજુમલ અંસારી, એયાઝ મોબીન, મુઝાવર અને જીતેશ ઉર્ફે બબલુ યાદવની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી ઘાતક હથિયારો અને દિલ્હીથી ચોરી કરવામાં આવેલી બે કારો પણ કબજે કરી હતી. આમ પોલીસે 30 કરોડની ખંડણીની વસૂલાત માટે અપહરણ કરાયેલા ઉમરગામના બિલ્ડર જીતુ પટેલનો હેમખેમ છુટકારો કરાવી પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી. जितेंद्र पटेल करके बिल्डर थे, उनको दो गाड़ी में आके किडनैप करके लेके चले गए थे. 24 से उनके वाइफ के नंबर पे ये लोग रैनसम कॉल चालू करते फिरौती के लिए. फिरौती में 30 करोड़ रुपया मांगे थे उनको छोड़ने के लिए. ये लोग दो गाड़ी में थे, एक फॉर्चुनर वाइट कलर और दूसरा होंडा सिटी वाइट कलर. दोनों में नंबर प्लेट्स गलत नंबर प्लेट थे, फेक नंबर प्लेट थे, इसलिए हम लोग को डिटेक्ट करने में बहुत मुश्किल था. और कोई क्लूज नहीं, विजिबल क्लूज ये लोग छोड़े नहीं थे. और जो कॉल्स आते थे उसको हम लोग एनालिस किए, उसमें देखा तो एक दिन बड़ौदा से कॉल करे, एक दिन बाडोली से कॉल करे, एक दिन सूरत से कॉल करे, और उसके बाद एक दो मिनट के फ़ोन करने के बाद बंद कर देते. सो ट्रेसिंग दम थ्रू लोकेशन फाइंडिंग वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट. तो हम लोग बहुत कोशिश किए, इसलिए एक केस बहुत सेंसिटिव केस था. तो पूरा रेंज का, वलसाड जिला का, उसके अलावा ATS गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस की मदद लिए. उसमें इस दौरान हमारे पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला, टेक्निकल इंटेलिजेंस मिले, उसके साथ साथ लगभग 1000 से भी ज़्यादा CCTV फुटेज एनालिस किए, कवरिंग डिस्टेंस ऑफ मोर देन 750 किलोमीटर्स. इट वॉज नॉट ईजी टास्क. ऑलमोस्ट माई ऑफिसर्स मैन दे वर नॉट स्लीपिंग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 डेज कंटिन्यूसली. उसके सफलता से हम लोग कल शाम को बोरीवली रेलवे स्टेशन में दो सरदार मिले. उसके बैग्स में से जड़ते किए थे, उसमें जो मोबाइल फ़ोन मिला जिससे वो उनके जो वाइफ को फ़ोन करके फिरौती मांगता था. तो हमें यकीन हो गया था यही लोग इसमें इन्वॉल्व है. उसके लेके जगह हम लोग पूछपरछ किए. पूछपरछ के दौरान हमें पता चला ये सामान्य लोगों ने बहुत ही इंडिया में जो नामचीन जो गैंग है चंदन सोनर, उसके गैंग मेंबर्स है. और ये लोग जो विक्टिम को रत्नागिरी में एक जगह पे छुपा के रखे थे. तो उसके बाद इमीडिएटली हम लोग ऑफिसर्स विद 50 मैन को हम लोग डिस्पैच किए वहाँ जाकर ऑपरेशन करने के लिए. तो विद सक्सेसफुल ऑपरेशन दे रेस्क्यू, नॉट ओनली दे रेस्क्यू, उसके साथ जो वेपन के साथ 5 क्रिमिनल्स को वहाँ से पकड़ा गया. इसमें आप देखे जाए तो चंदन सोनर गैंग, अगर आप गूगल करके देखेंगे यू विल नो लॉट अबाउट दिस गैंग. अभी भी जो हमने पकड़ा पप्पू चौधरी, अभी भी बिहार, वेस्ट बंगाल और भी कई स्टेट्स में वांटेड है. और इनको 10 लाख 25 लाख ऐसे इनामी जाहिर किए होंगे. ये लोग बहुत शातिर है, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ते. जस्ट टू मेक अ कॉल 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, एक फ़ोन करके मोबाइल बंद करके चले जाते हैं. जब विक्टिम से बात करने के फ़ोन यूज़ करते हैं उस दौरान खुद के फ़ोन यूज़ नहीं करते. सो इट वॉज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. नॉट ओनली दैट, जहाँ जो विक्टिम के रखे थे वहाँ भी नोबडी वॉज यूजिंग फ़ोन, कम्प्लीटली आउट ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन होते. जो पप्पू यादव है वो विक्टिम के मिलने के लिए भी 300 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता था. और ट्रेन में ये लोग मोस्टली ट्रैवल करते थे, ट्रेन में टिकट नहीं लेते थे, विदाउट टिकट दे वर ट्रैवलिंग. इसलिए रेलवे चार्ट इसमें भी ढूंढना भी हमें मुश्किल पड़ता था. उसके अलावा रेलवे स्टेशन में नहीं उतरते थे. स्टेशन आने के पहले जो गाड़ी स्लो होती है यार्ड में वो उतर के चले जाते थे. इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट इन्वेस्टिगेशन में एंटेयर कैरी. फिर भी हमारा टीम वर्क से इसको जल्दी जल्दी विद इन अ वीक हम लोग सॉल्व किए. इसका सब जो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल माय टीम मेंबर्स इन गुजरात पुलिस एंड महाराष्ट्र पुलिस ऑल्सो. थैंक यू सर. 30 करोड़ मांगे हैं और उसके बाद भी बिना फिरौती दिए पकड़े गए, तो क्या ऐसा था कि बिना फिरौती दिए बिना पैसे दिए जो आप किडनैपर को पकड़ पाया, क्या है? दैट इज़ द सक्सेस ऑफ आवर ऑपरेशन. एक तरफ हम लोग नेगोशिएशन कंटिन्यू रखे थे उनके वाइफ के जरिए, मिस्टर जडेजा ही वॉज लुकिंग अप दैट पॉट. उनके फैमिली के साथ जो भी डिमांड्स थे उसके कैसे हैंडल करना, हाउ टू एनी वे, किसी के घर पे 30 करोड़ रुपये मिलेगा ही नहीं. तो उनकी वाइफ ने बोला भाई मेरे पास कुछ भी नहीं, जो भी ये गहना है मकान बेचूंगा. तो इट नीड्स टाइम.
तो दूसरा बीच में उसको हस्बैंड से बात कराने के बोला, हस्बैंड के पास पैसा कहाँ पता होगा, मेरे पास कुछ नहीं, तो उनसे बात कराओ, तो भी उन लोग बात नहीं करवाए, खाली रिकॉर्ड मैसेज दे लेते, इसलिए बात नहीं करवाए क्योंकि बात करेंगे तो उसको लोकेशन डिस्क्लोज हो जाते।